पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ का मानना है कि आईसीसी 2019 विश्व कप से पूर्व राष्ट्रीय टीम को महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की जगह बेहतर विकल्प तलाशने होंगे। अंडर 19 टीम के कोच द्रविड़ के अनुसार भारतीय टीम के विश्व कप से पूर्व अच्छे लेग स्पिनर और मध्य क्रम में चौथे और पांचवें क्रम पर बेहतर संयोजन तलाशने की भी जरूरत है। यह जरूरी नहीं कि युवराज और धोनी को टीम से बाहर किया जाए, लेकिन विश्व कप से पूर्व उनके विकल्प तैयार किए जाना जरूरी है। इससे पहले धोनी भी कह चुके हैं कि जिस दिन देश को उनकी जरूरत नहीं होगी वो खेलना छोड़ देंगे। द्रविड़ ने कहा, चयनकर्ताओं और प्रबंधकों को इस बात का निर्णय करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय खिलाड़ियों नहीं बल्कि प्रबंधन के हाथ में होते हैं और उन्हें भारतीय क्रिकेट के लिए एक सही रोड मैप तैयार करना होगा और इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विश्व कप की टीम में इन दो खिलाड़ियों के लिए जगह होगी या फिर आप युवाओं को मौका देना चाहते हैं। द्रविड़ ने कहा, बोर्ड ने विंडीज दौरे पर मजबूत टीम को उतारा है, लेकिन इस दौरे के लिए अंतिम एकादश में नए खिलाड़ियों के साथ प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन यदि अभी नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया तो फिर समय नहीं होगा। हम जानते हैं कि युवराज और धोनी दोनों ही फिट खिलाड़ी हैं और दोनों अच्छा खेल रहे हैं, इस बारे में किसी को शिकायत नहीं है। लंदन में समाप्त हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भले ही धोनी और युवराज का प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो, लेकिन पूर्व क्रिकेटर आगरकर का मानना है कि इन दोनों की मौजूदगी से टीम संयोजन में असंतुलन पैदा हुआ है, क्योंकि कुछ टीमों के पास नंबर 6 पर ऑलराउंडर मौजूद हैं, लेकिन भारतीय टीम में केवल बल्लेबाज हैं। आगरकर ने कहा, 4 और 5वां क्रम काफी अहम है। विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी में अतिरिक्त 6ठा बल्लेबाज उतारा। हमारे पास हार्दिक पांड्या हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा अश्विन बल्लेबाजी नहीं कर सकते, भुवनेश्वर बल्लेबाजी कर सकते हैं। 6ठा बल्लेबाज विराट ने इसलिए उतारा क्योंकि वे 4थे और 5वें नंबर के खिलाड़ी पर रनों के लिहाज से खास भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, युवराज और धोनी भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन विश्व कप 2019 के मद्देनजर क्या ये सही खिलाड़ी हैं? हमारी टीम में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।